अधिकार, हमें क्या अधिकार हैं। ये चित्र है द नेशनल आर्काइव्स एंड रिकॉर्ड्स एडमिनिस्ट्रेशन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ये चित्र लिया गया है, जिसमें डिमांड की जा रही है वोटिंग राइट नाउ, जॉब के लिए अधिकार, किस चीज़ के लिए क्या अधिकार दिए गए हैं। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अक्सर अधिकारों की चर्चा करते हैं। लोकतांत्रिक देश के सदस्य होने के नाते हम वोट देने, राजनीतिक पार्टियां बनाने, चुनाव लड़ने जैसे अधिकार की बात करते हैं। लोग अधिकार के लिए नई नई मांग भी कर रहे हैं। आमतौर पर स्वीकृत नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के अलावा सूचना के अधिकार, स्वच्छ वायु के अधिकार, सुरक्षित पेयजल के अधिकार का भी दावा जताया जा रहा है। जहां हम प्राय अपने राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन से जुड़े अधिकारों का दावा करते हैं, वहीं हम सामाजिक और व्यक्तिगत संबंधों में भी अधिकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। मसलन, हम अपना कैरियर चुनने और देश में बेरोक टोक घूमने के अधिकार की बात करते हैं। औरतों और न केवल वयस्क मनुष्य के लिए बल्कि बच्चों, गर्भस्थ, भ्रूणों और पशुओं के लिए भी अधिकार का दावा किया जाता है। इस प्रकार विभिन्न लोग विविध तरीकों से अधिकार की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं। इस अध्याय में हम इस अवधारणा से जुड़े सवालों की जांच करेंगे, पड़ताल करेंगे। पहला सवाल, जब हम अधिकारों की बात करते हैं तो हमारा आशय क्या है? अधिकार के हमारे दावों की बुनियाद क्या है? अधिकार से किन उद्देश्यों की पूर्ति होती है और वे कितने महत्वपूर्ण क्यों हैं? जो भी अधिकार हमें दिए जाते हैं वो इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? अधिकार क्या है? अधिकार मूल रूप से हकदारी या ऐसा दावा है जिसका औचित्य सिद्ध हो। यह बताता है कि नागरिक, व्यक्ति और मनुष्य के होने के नाते हम किसके हकदार हैं। यह ऐसी चीज़ है जिसको हम अपना प्राप्य समझते हैं, ऐसी चीज़ जिसे शेष समाज ऐसे भेद दावे के रूप में स्वीकार करे जिसका अनुमोदन अनिवार्य हो। इसका यह मतलब नहीं कि हर वह चीज़ जिसे मैं ज़रूरी और वांछनीय समझूं अधिकार है। मेरी इच्छा हो सकती है कि स्कूल के लिए निर्धारित पोशाक की बजाय अपनी पसंद के कपड़े पहनूं। मैं देर रात तक घर से बाहर रहना चाह सकता हूं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि मुझे स्कूल के लिए अपनी इच्छा अनुसार जो चाहे वह पहनने और जब चाहूँ तब घर लौटने का अधिकार है। मैं जो चाहता हूँ उसके लिए मैं स्वयं को हकदार समझता हूँ, तथा जिनका बतौर अधिकार उल्लेख किया जा सकता है के बीच का फर्क होता है। यानी मैं क्या चाहता हूँ वो अधिकार नहीं हो सकते। अधिकार उन बातों का द्योतक है जिन्हें मैं और अन्य लोग सम्मान और गरिमा का जीवन बसर करने के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक समझते हैं। उदाहरण के लिए आजीविका का अधिकार सम्मानजनक जीवन जीने के लिए ज़रूरी है। लाभकर रोजगार में नियोजित होना व्यक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता देता है, इसलिए यह उसकी गरिमा के लिए प्रमुख है। अपनी बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति हमें अपनी प्रतिभा और रुचियों की ओर प्रवृत्त होने की स्वतंत्रता प्रदान करती है। यहाँ हम स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अधिकार का उदाहरण ले सकते हैं। यह अधिकार हमें सृजनात्मक और मौलिक होने का मौका देता है, चाहे यह लेखन के क्षेत्र में हो अथवा नृत्य, संगीत या किसी अन्य रचनात्मक क्रियाकलाप में हो। लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक सरकार के लिए भी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह विश्वासों और मतों की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की अनुमति देती है। आजीविका का अधिकार या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे अधिकार समाज में रहने वाले तमाम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। इसी वजह से उनकी प्रकृति विश्वजननीय कही जाती है। अधिकारों की दावेदारी का दूसरा अधिकार यह है कि वे हमारी बेहतरी के लिए आवश्यक हैं। ये लोगों को उनकी दक्षता और प्रतिभा विकसित करने में सहयोग देते हैं। उदाहरण के लिए शिक्षा का अधिकार हमारी तर्क शक्ति विकसित करने में मदद करता है, हमें उपयोगी कौशल प्रदान करता है और जीवन में सूझबूझ के साथ चयन करने में सक्षम बनाता है। व्यक्ति के कल्याण के लिए इस हद तक शिक्षा को अनिवार्य समझा जाता है कि उसे सार्वभौम अधिकार माना गया है। बहरहाल, अगर कोई कार्यकलाप हमारे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए नुकसानदेह है तो उसे अधिकार नहीं माना जा सकता। उदाहरण के लिए डॉक्टरी शोध ने यह प्रमाणित किया है कि नशीली दवाएं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं
और चूंकि ये अन्यों के साथ हमारे रिश्तों पर दुष्प्रभाव डालती है, इसलिए हम यह दावा नहीं कर सकते कि हमें नशीले पदार्थों के सेवन करने और सुई लगाने या धूम्रपान का अधिकार होना चाहिए। धूम्रपान के मामले में तो उन लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदेह है जो धूम्रपान करने वालों के आसपास होते हैं। नशीले पदार्थ न केवल हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि वे कभी कभी हमारे आचरण के रंग ढंग को बदल देते हैं और हमें अन्य लोगों के लिए खतरा करार देते हैं। अधिकारों की हमारी परिभाषा के अंतर्गत धूम्रपान और प्रतिबंधित दवाओं के सेवन के अधिकार के रूप में मान्य नहीं किया जा सकता। अधिकार कहाँ से आते हैं? 17वीं और 18वीं शताब्दी में राजनीतिक सिद्धांतकार तर्क देते हैं कि हमारे लिए अधिकार प्रकृति या ईश्वर प्रदत्त हैं, हमें जन्म से बे अधिकार प्राप्त हैं। परिणामवत कोई व्यक्ति या शासक उन्हें हमसे छीन नहीं सकता। उन्होंने मनुष्य के तीन प्राकृतिक अधिकार चिन्हित किए हैं, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। अन्य तमाम अधिकार इन बुनियादी अधिकारों से ही निकलते हैं। हम इन अधिकारों का दावा करें या न करें, व्यक्ति होने के नाते हमें ये प्राप्त हैं। यह विचार कि हमें जन्म से कुछ खास अधिकार प्राप्त हैं काफ़ी शक्तिशाली अवधारणा है, क्योंकि इसका अर्थ है कि जो ईश्वर प्रदत्त है और उन्हें कोई मानव शासक या राज्य हमसे छीन नहीं सकता। प्राकृतिक अधिकारों के विचार का इस्तेमाल राज्यों और सरकारों के द्वारा स्वेच्छाकारी शक्ति के प्रयोग का विरोध करने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए किया जाता है। हाल के वर्षों में प्राकृतिक अधिकार शब्द से ज़्यादा मानवाधिकार शब्द का प्रयोग हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके प्राकृतिक होने का विचार आज अस्वीकार्य लगता है। ऐसा मानना भी मुश्किल होता जा रहा है कि कुछ नियम आदर्श ऐसे हैं जिन्हें प्रकृति या ईश्वर ने रचा है। अधिकारों की ऐसी गारंटियों के रूप में देखने की प्रवृत्ति बड़ी है जिन्हें मनुष्य ने एक अच्छा जीवन जीने के लिए स्वयं ही खोजा या पाया है। मानव अधिकार के पीछे मूल मानता यह है कि सभी लोग मनुष्य होने मात्र से कुछ चीज़ों को पाने के अधिकारी हैं। एक मानव के रूप में हर आदमी विशिष्ट और सम्मान का महत्व है। इसका अर्थ यह है कि एक आंतरिक दृष्टि से सभी मनुष्य समान हैं और कोई भी व्यक्ति दूसरे का नौकर होने के लिए पैदा नहीं हुआ है। सभी मनुष्य एक आंतरिक मूल्य से संपन्न होते हैं। उन्हें स्वतंत्र रहने और अपनी पूरी संभावना को साकार करने का समान अवसर मिलना चाहिए। इस विचार का इस्तेमाल नस्ल, जाति, धर्म और लिंग पर आधारित मौजूदा असमानताओं को चुनौती देने के लिए किया जाता रहा है। अधिकारियों की इसी समझदारी पर संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकारों का सार्वभौम घोषणा पत्र बना है। यह उन दावों को मान्यता देने का प्रयास करता है जिन्हें विश्व समुदाय सामूहिक रूप से गरिमा और आत्मसम्मान से परिपूर्ण जिंदगी जीने के लिए आवश्यक मानता है। पूरी दुनिया की उत्पीड़न जन सार्वभौम मानवाधिकार की अवधारणा का इस्तेमाल उन कानून को चुनौती देने के लिए कर रहे हैं जो उन्हें पृथक करने वाले और समान अवसरों या अधिकारों से वंचित करते हैं। वे मानवता की अवधारणा की पुनर्व्याख्या के लिए संघर्ष कर रहे हैं ताकि वे खुद को इसमें शामिल कर सके। कुछ संघर्ष सफल भी हुए हैं, जैसे दास प्रथा का उन्मूलन हुआ है, लेकिन कुछ अन्य संघर्षों में अभी तक सीमित सफलता ही मिल पाई है। लेकिन आज भी अनेक ऐसे समुदाय हैं जो मानवता को इस प्रकार परिभाषित करने के लिए संघर्ष में लगे हैं जो उनको भी शामिल करें। विविध समाजों में ज्यों ज्यों नए खतरे और चुनौतियां उभरती आई हैं, त्यों त्यों उन मानवाधिकारों की सूची लगातार बढ़ती गई है जिनका लोगों ने दावा किया है। मसलन, हम आज प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा की ज़रूरत के प्रति काफ़ी सचेत हैं। इसने स्वच्छ हवा, शुद्ध जल, टिकाऊ विकास जैसे अधिकारों की मांगें पैदा की हैं। युद्ध या प्राकृतिक संकट के दौरान अनेक लोग, खासकर महिलाएं, बच्चे या बीमार, जिन बदलावों को झेलते हैं उनके बारे में नई जागरूकता ने आजीविका के अधिकार, बच्चों के अधिकार और ऐसे अन्य अधिकारों की मांग भी पैदा की है। ऐसे दावे मानव गरिमा के अतिक्रमण के प्रति नैतिक आक्रोश का भाव व्यक्त करते हैं और वे समस्त मानव समुदाय हेतु अधिकारों के प्रयोग और विस्तार के लिए लोगों से एकजुट होने का आह्वान करते हैं। हमें इन दावों के विस्तार और प्रभाव को कम करके नहीं आंकना चाहिए, उन्हें अक्सर व्यापक समर्थन हासिल होता है। आपने शायद पॉप स्टार बॉब गोल्डॉफ
की ओर से अफ्रीका में गरीबी खत्म करने के लिए पश्चिमी मुल्कों की सरकारों से की गई हाल ही की अपील के बारे में सुना होगा और टीवी में देखा भी होगा, उसे आम जनता का कितना प्रबल समर्थन हासिल हुआ। यहाँ पर मानवीय गरिमा के बारे में काट बताई गई है। हर चीज़ की या तो कीमत होती है या गरिमा, जिसकी कीमत होती है उसकी जगह उसके समतुल्य कोई दूसरी चीज़ भी रखी जा सकती है। इसके विपरीत जो तमाम कीमत से ऊपर हो और जिसका कोई समतुल्य न हो उसकी गरिमा होती है। अन्य प्राणियों से अलग मनुष्य की एक गरिमा होती है, इस कारण से वे अपने आप में बहुमूल्य है। 18वीं सदी के जर्मन दार्शनिक इमैनुएल कॉट के लिए इस साधारण विचार का गहरा अर्थ था। उसके लिए इसका मतलब था कि हर मनुष्य की गरिमा है और मनुष्य होने के नाते उसके साथ इसी के अनुकूल बर्ताव किया जाना चाहिए। मनुष्य अशिक्षित हो सकता है, गरीब या शक्तिहीन हो सकता है, वह बेईमान अथवा अनैतिक भी हो सकता है, फिर भी वह एक मनुष्य है और न्यूनतम ही सही प्रतिष्ठा पाने का हकदार है। काट के लिए लोगों के साथ गरिमा में बर्ताव करने का अर्थ था कि उनके साथ नैतिकता से पेश आना। यह विचार उन लोगों के लिए एक सबल था जो लोग सामाजिक ऊंच नीच के खिलाफ और मानवाधिकार के लिए संघर्ष कर रहे थे। कॉट के विचार ने अधिकार की एक नैतिक अवधारणा प्रस्तुत की। पहला, हमें दूसरों के साथ वैसा ही आचरण करना चाहिए जैसा हम अपने लिए दूसरों से अपेक्षा करते हैं। दूसरा, हमें यह निश्चित करना चाहिए कि हम दूसरों को अपनी स्वार्थ सिद्धि का साधन नहीं बनाएंगे। हमें लोगों के साथ उस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए जैसा कि हम कलम, कार या घोड़ा के साथ करते हैं। हमें लोगों का सम्मान करना चाहिए, इसलिए नहीं कि वे हमारे लिए उपयोगी हैं, बल्कि इसलिए कि वे आखिरकार मनुष्य हैं। जैसे अभी यहाँ पर दिखाया गया है कि मेरे पिता ने टेलीफोन लगाने के लिए आवेदन किया, 2 महीने से भी ज़्यादा हो गए, अभी तक कुछ नहीं हुआ, वे क्या कर रहे हैं? तो जानते हैं कि हम अब हमारे पास सूचना का अधिकार है, हम जान सकते हैं कि हमारे आवेदन का क्या हुआ, हम देरी का कारण भी जान सकते हैं। तो ये सारी बातें हम सूचना के अधिकार से जान सकते हैं। कानूनी अधिकार और राज्य सत्ता। मानवाधिकार के दावों की नैतिक अपील चाहे जितनी हो, उनकी सफलता की डिग्री कुछ कारकों पर निर्भर है। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है सरकार और कानून का समर्थन। यही कारण है कि अधिकारों की कानूनी मान्यता को इतनी अहमियत दी जाती है। अनेक देशों में अधिकारों के विधेयक वहाँ के संविधान में प्रतिष्ठित रहते हैं। संविधान देशों के सर्वोच्च कानून के घोतक होते हैं, इसलिए कुछ खास अधिकारों की संवैधानिक मान्यता उन्हें बुनियादी महत्व प्रदान करती है। अपने देश में इन्हें हम मौलिक अधिकार कहते हैं। अन्य कानून या नीतियों से इन संवैधानिक अधिकारों के सम्मान की अपेक्षा की जाती है। संविधान में उन अधिकारों का उल्लेख रहता है जो बुनियादी महत्व के माने जाते हैं। कुछ अन्य ऐसे अधिकारों का उल्लेख संभव है जो किसी देश के विशिष्ट इतिहास और रीति रिवाज के चलते महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, भारत में अस्पृश्यता पर प्रतिबंध का प्रावधान है जो देश की परंपरागत सामाजिक कुप्रथा को ध्यान दिलाता है। हमारे दावों को मिलने वाली कानूनी या संवैधानिक मान्यता इतनी महत्वपूर्ण होती है कि बहुत से सिद्धांतकार अधिकार के ऐसे दावों के रूप में परिभाषित करते हैं जिन्हें राज्य ने मान्य किया हो। कानूनी मान्यता से यकीनन हमारे अधिकारों को समाज में एक खास दर्जा मिलता है, लेकिन कानूनी मान्यता के आधार पर किसी अधिकार का दावा नहीं किया जा सकता। जैसे कि पहले चर्चा की जा चुकी है कि अधिकार को धीरे धीरे विस्तार और पुनर्व्याख्या हो रही है। ऐसा अभी तक अलग रहे समूहों को शामिल करने और गरिमापूर्ण एवं सम्मानजनक जीवन की हमारी नई समझदारी के उद्देश्य हो रहा है। अधिकतर मामलों में अधिकार राज्य से किए जाने वाले दावे हैं। अधिकार के माध्यम से हम राज्य सत्ता से कुछ मांग करते हैं। जब हम शिक्षा के अधिकार पर जोर देते हैं तो हम राज्य से बुनियादी शिक्षा के लिए प्रावधान करने की मांग करते होते हैं। समाज भी शिक्षा के महत्व को स्वीकार कर सकता है और अपनी तरह से इसमें सहयोग कर सकता है। विभिन्न समूह विद्यालय खोल सकते हैं और छात्रवृत्ति के लिए निधि जमा कर सकते हैं ताकि तमाम वर्गों के बच्चे शिक्षा का लाभ प्राप्त कर सके। लेकिन मुख्यतः यह जिम्मेदारी राज्य की बनती है। राज्य को ही आवश्यक उपायों का प्रवर्तन करना होता है जिससे हमारे शिक्षा के अधिकार की पूर्ति सुनिश्चित हो। इस प्रकार अधिकार राज्य को कुछ खास तरीकों से कार्य करने के लिए
वैधानिक दायित्व सौंपते हैं। प्रत्येक अधिकार निर्देशित करता है कि राज्य के लिए क्या करने योग्य है और क्या नहीं। उदाहरण के लिए, मेरा जीवन जीने का अधिकार राज्य को ऐसे कानून बनाने के लिए बाध्य करता है जो दूसरे के द्वारा क्षति पहुंचाने से मुझे बचा सके। यह अधिकार राज्य से मांग करता है कि वह मुझे चोट या नुकसान पहुंचाने वाले को दंडित करे। यदि कोई समाज महसूस करता है कि जीने के अधिकार का मतलब अच्छे स्तर के जीवन का अधिकार है, तो वह राज्य सत्ता से ऐसी नीतियों के अनुपालन की अपेक्षा करता है जो स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छ पर्यावरण और अन्य आवश्यक निर्धारकों का प्रावधान करे। दूसरे शब्दों में, मेरा अधिकार यहाँ राज्य सत्ता को खास तरीके से काम करने के लिए कुछ वैधानिक दायित्व सौंपता है। अधिकार सिर्फ यह नहीं बताते कि राज्य को क्या करना है, वे यह भी बताते हैं कि राज्य को क्या कुछ नहीं करना है। मसलन, किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार कहता है कि राज्य सत्ता महज अपनी मर्जी से उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती। अगर वह किसी को सलाखों के पीछे करना चाहती है तो उसे इस कार्यवाही का जायजा ठहराना पड़ेगा। उसे किसी न्यायालय के समक्ष एक व्यक्ति की स्वतंत्रता में कटौती करने का कारण बताना होगा। इसलिए मुझे पकड़ने के लिए से पहले गिरफ्तारी का वारंट दिखाना पुलिस के लिए आवश्यक होता है। इस प्रकार मेरे अधिकार राज्य सत्ता पर कुछ अंकुश भी लगाते हैं। दूसरे तरीके से कहा जाए तो हमारे अधिकार यह सुनिश्चित करते हैं कि राज्य की सत्ता व्यक्तिगत जीवन और स्वतंत्रता की मर्यादा का उल्लंघन किए बगैर काम करे। राज्य संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सत्ता हो सकता है। उसके द्वारा निर्मित कानून बलपूर्वक लागू किए जा सकते हैं, लेकिन संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य का अस्तित्व अपने लिए नहीं बल्कि व्यक्ति के हित के लिए होता है। इसमें जनता का ही अधिक महत्व है और सत्तारूढ़ सरकार को उसके ही कल्याण के लिए काम करना होता है। शासक अपनी कार्यवाही के लिए जवाबदेह है और उसे हरगिज नहीं भूलना चाहिए कि कानून लोगों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए ही होते हैं। अधिकारों के प्रकार, अधिकतर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं राजनीतिक अधिकारों का घोषणा पत्र बनाने से अपनी शुरुआत करती हैं। राजनीतिक अधिकार नागरिकों को कानून के समक्ष बराबरी और राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी का हक देते हैं। इसमें वोट देने और प्रतिनिधि चुनने, चुनाव लड़ने, राजनीतिक पार्टियां बनाने और उसमें शामिल होने जैसे अधिकार शामिल हैं। राजनीतिक अधिकार नागरिक स्वतंत्रताओं से जुड़े हैं। नागरिक स्वतंत्रता का अर्थ है स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायिक जांच का अधिकार, विचारों को ही स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति का अधिकार, प्रतिवाद करने का अधिकार, असहमति प्रकट करने का अधिकार। नागरिक स्वतंत्रता और राजनीतिक अधिकार मिलकर किसी सरकार की लोकतांत्रिक प्रणाली की बुनियादी का निर्माण करते हैं। लेकिन जैसा कि पहले ही बताया गया है कि अधिकार का उद्देश्य लोगों के कल्याण की हिफाजत करना होता है। सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह बनाकर शासकों की अपेक्षा लोगों के सरोकार को अधिक महत्व देकर तमाम लोगों के लिए सरकार के निर्णय को प्रभावित करने का मौका सुनिश्चित कर राजनीतिक अधिकार इसमें सहयोग करते हैं। राजनीतिक भागीदारी का अपना अधिकार पूरी तरह से हम तभी अमल में ला सकते हैं जब भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य जैसी हमारी बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो। फुटपाथ पर रहने वाले और इन बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए संघर्ष करने वालों के लिए अपने आप में राजनीतिक अधिकार का कोई मूल्य नहीं है। उन्हें पहले तो अपनी बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति हेतु पर्याप्त मजदूरी और मेहनत की उचित परिस्थितियां जैसे कि कथित पे सुविधाएं चाहिए। इसलिए लोकतांत्रिक समाज इन दायित्वों को स्वीकार कर रहे हैं और आर्थिक अधिकार मुहैया करा रहे हैं। कुछ देशों में नागरिक, खासकर निम्न आय वाले नागरिक, आवास और चिकित्सा जैसी सुविधाएं राज्य से प्राप्त करते हैं। कुछ अन्य देशों में बेरोजगार व्यक्ति कुछ न्यूनतम भत्ता पाते हैं ताकि वे अपनी बुनियादी ज़रूरतें पूरी कर सके। भारत में सरकार ने ग्रामीण और शहरी गरीबों की मदद के लिए अन्य कार्यवाहियों के साथ हाल ही में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की है। ये बाद विवाद संवाद है जो कि दिखाया गया है कि संस्कृति के अधिकार का मतलब है किसी को भी ऐसी फिल्म बनाने की अनुमति नहीं होती जो किसी को धार्मिक या सांस्कृतिक आस्थाओं को चोट पहुँचाए। आजकल आधिकारिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों के साथ नागरिकों के सांस्कृतिक दावों को भी मान्यता दे रही हैं। अपनी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार, अपनी भाषा और संस्कृति के शिक्षण के लिए संस्थाएं बनाने के अधिकार को बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए आवश्यक माना जा रहा है।
इस प्रकार लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में अधिकार की सूची लगातार बढ़ती गई है। कुछ अधिकार जैसे जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समान व्यवहार का अधिकार और राजनीतिक भागीदारी का अधिकार ऐसे बुनियादी अधिकार के रूप में मान्य हैं, जिन्हें प्राथमिकता देनी भी है। शालीन जीवन यापन के लिए आवश्यक अन्य स्थितियों भी न्यायोचित दावों अथवा अधिकारों के रूप में मान्य की जा रही हैं। समूह या समुदाय विशेष को दिए गए निम्न अधिकारों में से कौन से न्यायोचित हैं, चर्चा करते हैं। एक शहर में जैन समुदाय के लोगों ने अपना विद्यालय खोला और उसमें केवल अपने समुदाय के छात्र छात्रा को ही प्रवेश दिया, ये न्यायोचित है। हिमाचल प्रदेश में वहाँ के स्थायी निवासियों के अलावा बाकी लोग जमीन या अन्य अचल संपत्ति नहीं खरीद सकते, ये न्याय नहीं है। एक शिक्षा विद्यालय के प्रधान अध्यापक ने एक सर्कुलर जारी किया कि कोई भी छात्रा किसी भी प्रकार का पश्चिमी परिधान नहीं पहनेगी, ये भी न्यायोचित नहीं है। हरियाणा की एक पंचायत ने निर्णय लिया कि अलग अलग जातियों के जिस लड़के या लड़की ने शादी कर ली है वे अब गांव में नहीं रहेंगे, ये भी न्यायोचित नहीं है। अधिकार और जिम्मेदारियां। अधिकार न केवल राज्य पर जिम्मेदारी डालते हैं वह खास तरीके से काम करे, बल्कि हम सब पर भी जिम्मेदारी आयद करते हैं। उदाहरण के लिए टिकाऊ विकास का मामला लें, हमारे अधिकार हमें याद दिलाते हैं कि इसके लिए न केवल राज्य के कुछ कदम उठाने हैं बल्कि हमें भी इस दिशा में प्रयास करने हैं। अधिकार हमें बाध्य करते हैं कि हम अपनी निजी ज़रूरतों या हितों के को ही न सोचें, कुछ ऐसी चीज़ों की भी रक्षा करें जो हम सबके लिए हितकर हो। ओजोन परत की हिफाजत करना, वायु और जल प्रदूषण कम से कम करना, नए वृक्ष लगाकर जंगलों की कटाई को रोकना, हरियाली बरकरार रखना, परिस्थिति संतुलन कायम रखना आदि ऐसी चीज़ें हैं जो हम सबके लिए अनिवार्य हैं। ये आम भलाई की बातें हैं जिनका पालन हमें अपनी और भावी पीढ़ियों की हिफाजत के लिए अवश्य करना चाहिए। आने वाली पीढ़ियों को भी सुरक्षित और स्वच्छ दुनिया पाने का हक है, इसके बिना वे बेहतर जीवन नहीं जी सकती। दूसरे अधिकार यह अपेक्षा करते हैं कि मैं अन्य लोगों के अधिकार का सम्मान करूं। अगर मैं कहता हूं कि मुझे अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार मिलना ही चाहिए तो मुझे दूसरों को भी यह अधिकार देना चाहिए। अगर मैं अपनी पसंद के कपड़े पहनने में, संगीत सुनने में दूसरे का हस्तक्षेप नहीं चाहता तो मुझे भी दूसरों की पसंदगी में दखलअंदाजी से बचना चाहिए या बचना होगा। मुझे उन्हें भी उनकी पसंद के कपड़े और संगीत चुनने की स्वतंत्रता देनी होगी। मैं स्वतंत्र भाषण देने के अधिकार का इस्तेमाल अपने पड़ोसी की हत्या के लिए भीड़ को उकसाने के लिए नहीं कर सकता। अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए मैं दूसरों को उसके अधिकार से वंचित नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में मेरे अधिकार सबके लिए बराबर और एक ही अधिकार के सिद्धांत से सीमाबद्ध है। तीसरा, टकराव की स्थिति में हमें अपने अधिकार को संतुलित करना होता है। मसलन अभिव्यक्ति की आज़ादी का मेरा अधिकार मुझे तस्वीर लेने की अनुमति देता है, लेकिन अगर मैं अपने घर में नहाते हुए किसी व्यक्ति को उसकी इजाज़त के बिना तस्वीर ले लूं और उसे इंटरनेट में डाल दूं, तो वह अपने गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन होगा। चौथे, नागरिकों को अपने अधिकार पर लगाए जाने वाले नियंत्रण के बारे में चौकस रहना होगा। आजकल एक विषय जिस पर बहुत अधिक चर्चा हो रही है यह बढ़ते प्रतिबंधों से संबंधित है। ये प्रतिबंध कई सरकारें राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर लोगों की नागरिक स्वतंत्रता पर लगा रही हैं। नागरिकों के अधिकार और भलाई की रक्षा के लिए ज़रूरी मानकर राष्ट्रीय सुरक्षा की हिफाजत का समर्थन किया जा सकता है, लेकिन किसी बिंदु पर सुरक्षा के लिए आवश्यक मानकर थोपे गए प्रतिबंध अपने आप में लोगों के अधिकार के लिए खतरा बन जाते हैं या बन जाए तो क्या आतंकी बमबारी की धमकी का सामना करते राष्ट्र को अपने नागरिक की आज़ादी छीन लेने की इजाज़त दी जा सकती है? क्या उसे महज संदेह के आधार पर किसी को गिरफ्तार करने की अनुमति मिलनी चाहिए? क्या उसे लोगों की चिट्ठियां देखने और फोन टैप करने की छूट दी जा सकती है? क्या सच कबूल करवाने के लिए उसे यातना और सहारा लेने दिया जाना चाहिए?
ऐसी परिस्थिति में यह सवाल उठता है कि संबंध व्यक्ति समाज के लिए खतरा तो नहीं है। यहाँ पर यह दिखाया गया है कि कल तुमने टीवी पर ताज़ा तरीन स्टिंग ऑपरेशन देखा, प्रसिद्ध सीने तारिका और नामी अधिकारी के बीच की बातचीत पर मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। यह टीवी पर सनसनी फैलाने का सस्ता तरीका है, इसके अलावा यह उनके निजता के अधिकार का अतिक्रमण भी है। अगर कोई भी व्यक्ति समाज के लिए खतरा पैदा कर रहा है तो गिरफ्तार लोगों को भी कानूनी सलाह की इजाज़त और दंडाधिकारी या न्यायालय के सामने अपना पक्ष पेश करने का अवसर मिलना चाहिए। लोगों को नागरिक स्वतंत्रता में कटौती करने के वक्त हमें अत्यंत सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि इनका आसानी से दुरुपयोग किया जा सकता है। सरकार निरंकुश हो सकती है, वे अन्य उद्देश्यों की जड़ खोज सकती है जिसके लिए सरकार बनती है, यानी लोगों के कल्याण की। इसलिए यह मानते हुए कि अधिकार कभी संपूर्ण सर्वोच्च नहीं हो सकते, हमें अपने और दूसरों के अधिकार की रक्षा करने में चौकस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक समाज की बुनियाद का निर्माण करते हैं। किसी व्यक्ति के अधिकार वहाँ ख़त्म हो जाते हैं जहाँ दूसरे व्यक्ति की नाक शुरू होती है। दिसंबर 10 1948 को संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा में मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार और लागू किया गया। यह घोषणा की प्रस्तावना का पाठ नीचे दिया गया है। एक ऐतिहासिक कृत्य को आगे बढ़ाते हुए सामान्य सभा ने सभी सदस्यों ने मानवाधिकार के सार्वभौमिक घोषणा के पाठ को प्रचारित करने का आह्वान किया। सामान्य सभा ने देश या क्षेत्र की राजनीतिक स्थिति पर ध्यान न देते हुए इसे विशेष तौर से विद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्थानों में प्रसारित और प्रदर्शित करने और पढ़ने और पढ़वाने का आह्वान किया। मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा की प्रस्तावना किस तरीके से है? चूँकि मानव परिवार के सभी सदस्यों की स्वाभाविक अंतर्निहित गरिमा और उनके सम्मान और अत्याज्य अधिकारों की प्रतिष्ठा विश्व में स्वतंत्रता, न्याय और शांति की आधारशिला है। चूँकि मानव अधिकारों के उपवास और अवमानना के कारण मानवीय चेतना को व्यभीत करने वाले क्रूरतापूर्ण कृत्य प्रतिफलित हुए हैं, इसलिए यह अनिवार्य है कि एक ऐसे विश्व की स्थापना हो जिसमें सभी मनुष्य भाषण और विश्वास की स्वतंत्रता हासिल तथा भय या अभाव से मुक्ति प्राप्त कर सकें, जो मानव समुदाय की सबसे महत्वपूर्ण अभिलाषा है। चूँकि यह आवश्यक है कि मनुष्य को अत्याचार और दमन के विरुद्ध अंतिम अस्त्र के रूप में विद्रोह न करना पड़े, इसलिए विधि के शासन के द्वारा मानव अधिकारों की रक्षा हो। चूँकि राष्ट्रों के मध्य मित्रतापूर्ण संबंधों की स्थापना को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। चूँकि संयुक्त राष्ट्र संघ के देशों ने घोषणा पत्र में मूलभूत मानवाधिकार, मनुष्य की गरिमा तथा महत्व और पुरुषों या महिलाओं के समान अधिकार के प्रति अपना विश्वास पुनः व्यक्त किया तथा व्यापक स्वतंत्रता की उपलब्धि हेतु उन्नत जीवन स्तर और सामाजिक विस्तार को प्रोत्साहित करने का संकल्प लिया है। चूँकि सदस्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के सहयोग से मानवाधिकार या मूल स्वतंत्रताओं के विश्व स्तर पर सम्मान और अनुपालन को प्रोत्साहित करने का संकल्प लिया है। चूँकि उक्त संकल्पों की पूर्ण उपलब्धि हेतु इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं की सार्वदेशिक अवधारणा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आज संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा मानवाधिकारों की विश्वजन्य घोषणा पत्र को सभी सभ्यताओं और देशों के लिए उपलब्धि के सार्वमान्य मानदंड के रूप में एतदर्थ घोषित करती है कि प्रत्येक व्यक्ति और समाज का प्रत्येक अंग इस घोषणा पत्र का सदा विचार रखते हुए इन अधिकारों या स्वतंत्रता या स्वतंत्रताओं की मर्यादाओं का अध्यापन या शिक्षा के माध्यम द्वारा प्रोत्साहित करेगा तथा विकासोन्मुखी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय साधनों द्वारा इनकी सर्वदेशिक या सशक्त स्वीकृति एवं अनुपालन को आपस में सदस्य देशों की जनता के बीच और उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले प्रदेशों की जनता के बीच स्थापित करेगा।